इसलिए ठाकुर बाड़ी जाओ, मंदिर जाओ, कथा में जाओ, आचार्य गुरु विप्र देव के यहाँ जाओ, पुष्प लेकर जाओ, फल लेकर जाओ। जो भगवान को सुमन अर्पण करते हैं भगवान उनके सन्मुख हो जाते हैं। भगवान सन्मुख हुए और जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा ऊपर को तो सोई सखियों ने घूंघट लगा लिया, बधुओं ने, भगवान न देख पाए ऐसी सावधानी से ऐसे। और वो तो घूंघट से देखे और भगवान देख करके फिर ऐसे हो गए और फिर घूंघट लगाकर मानो संकेत किया कि इन गलियों में आप घूम रहे हैं, यहाँ राम जी आपको सिया जी का दर्शन नहीं होगा। सियाजू का दर्शन करना है तो जहां से फूल आते हैं, फूल बाग जो हमारा है, आप फूल बाग जाइएगा वहीं सियाजू के दर्शन होंगे। और शायद इसीलिए अगले दिन भगवान प्रातःकाल फूल बाग के दर्शन को जाते हैं, फूल लेने के लिए फूल बाग चले जाते हैं। और वाटिका का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान जब नगर दर्शन करके लौटे, रंगशाला सब देख करके आए, रात्रि को संध्या आदि करके भोजन विश्राम किया, सवेरे गुरु आज्ञा से भगवान फूल लेने को जाते हैं। पुष्प चयन कर रहे थे, शिष्टाचार फिर देखिए प्रभु श्री राम का, कोई वस्तु लेनी हो तो पहले पूछ कर लेना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, जब राम लक्ष्मण दोनों वाटिका पहुंचे तो चहुं दिस चितई, पहले चारों दिशाओं में देखा कि कोई है तो नहीं, हमें जाना किधर है। चहुं दिस चितई फिर पूछ माली गाना लगे ले दल फूल मुदित मन तही अवसर सीता चयन कर रहे हैं। ठाकुर इतने सुकोमल हैं कि फूल तोड़े और ताकत लग जाए तो पसीना आ जाए, इतने सुकोमल प्रभु श्री राम। दल ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं मुदित मन के साथ, बड़ा भीतर से आनंद है प्रभु, न जाने क्यों प्रेम की नगरी में आनंद बहुत होता है साहब। ये तो ये विदेह नगर प्रेम में सब डूबे हैं, देह का बान ही नहीं, इसलिए ठाकुर यहां पहुंचे मुदित मन, मुदित मन, मुदित मन, आनंदित आनंदित। उसी समय श्री सियाजू का सखियों के साथ मां की पूजा के लिए आगमन हुआ है, साथ में अष्ट सखी हैं, सब सुभग, सब सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत, सुंदर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई सखियां आगे बढ़ रही हैं। बाग में सखियों का प्रवेश हुआ, गीत गा रही थी, उनकी कोयल आवाज बाग में गूंज रही है। सर समीप सरोवर के नजदीक गिरिजा गृह सो बरनी न भवानी का मंदिर है, सामने सरोवर है, कुछ सीढ़ियां चढ़ करके गौरी माँ का सुंदर मंदिर है। पहले सरोवर में मज्जन किया, हाथ पांव धोए, मुख प्रक्षालन किया, पांव धोए, देवालयों के बाहर पाद प्रक्षालन की व्यवस्था हमारे यहां शाश्वत होती थी।
अब कोरोना काल है, लोग अपने घरों के बाहर पानी रखते हैं, उसमें से होकर के आओ ताकि कोई विषाणु भीतर ना आ जाए। प्राचीन काल में तो हमारे सरोवर, हमारे गुरुद्वारे, अभी भी आप दर्शन के लिए जाएंगे गुरुद्वारे में तो बाहर पानी रहता है, उसमें से निकलना होता है। सिया जो मज्जन करी सर सखिन समेत और गई मुदित मन गौरी निकेता। ब्रह्मा जी दोनों के गुण मिलाए दे रहे हैं, कुंडली मिल रही है। राम जी वाटिका में पहुंचे तो लगे लेन दल फूल मुदित मन, और सियाजू वाटिका में पहुंची तो गई मुदित मन गौरी निकेता। सियाजू भी मुदित मन, राम जी भी मुदित मन, कुंडली में दोनों का मन एक स्थान पर है, विवाह हो जाना चाहिए। अब पूजा की नहीं, सीता जी ने गौरी की पूजा की, राम जी फूल किसके लिए ले रहे हैं? पूजा के लिए। राम जी भी तो पूजा के लिए ही पुष्प चयन कर रहे हैं, तो वो भी फूल तोड़ते हैं मानो कोई पूजा की ही तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों पूजा कर रहे हैं, वो भी लक्षण मिल गए। पूजा की नहीं और अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग बरुमा। बहुत अनुराग से प्रीति के साथ माँ गौरी की पूजा की है, टीका लगाया, आरती उतारी, माला पहनाई, भोग रखा है और मांगा है माँ मेरे अनुरूप वर देना। कन्या वरयते रूपम, अनुकूलता की बात नहीं आई, अनुरूपता की बात आई, क्योंकि कन्या रूप के प्रति ज्यादा उसका आग्रह रहता है। कहा कि मेरे अनुरूप सुभग सुंदर, मेरे जैसा सुंदर, सियाजू बहुत सुंदर है, ऐसा कर देना। एक सखी उसी समय सियाजू की सखियों से निकलकर वो बाग देखने में ही चली गई थी, उसने राम लक्ष्मण जी के दर्शन किए। जैसे ही उसने प्रभु श्री राम जी को देखा है, राम देखने के बाद आदमी खुद में रहता कहाँ है, जीव जीव नहीं रहता, आनंद सिंधु में हिलोरे लेने लगता है। जिसने उन्हें देखा है वो जान से बारी, जिसने उन्हें देखा बहुत सुंदर है प्रभु श्री राम। सखी की दृष्टि पड़ी है राघव पर, समाधि होने लगी, विकल हो गई, आंखों से नीर बहने लगा, शरीर पुलकायमान हो गया। चली आई, सिया को बताऊंगी, और सिया का हाथ पकड़ करके कहती है मृदु बहन। सखियों ने पूछा कि तेरे हर्ष का कारण क्या है, तू इतनी इतनी आनंदित कैसे हो गई, किसे छू आई तू, कौन फूल देखा तूने? तब कहा मैंने जो देखा है उसको मैं बता नहीं पाऊंगी, इतने सुंदर है, क्योंकि देखा है आंखों ने, आंखों को जुबान नहीं है, और जो जुबान कहेगी उस जुबान को आंखें नहीं है। वो सखी कहती है देखन बाग कुंवर दुइया
बल किशोर सब भांति सुहाए। श्याम कौर के बाग देखने आए हैं दो राजकुमार, बड़े ही सुंदर हैं। एक गोरे हैं, एक सांवरे हैं। मैं कैसे उनका वर्णन करूं? सुनकर सब सखियों को हर्ष हुआ और सीता जी के हृदय में राम जी के दर्शन की उत्कंठा पैदा हो गई। एक सखी ने कहा, वही हैं जो बाबा विश्वामित्र जी के साथ कल आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल दी है। जनकपुर के नरनारी सब मोहित हो गए हैं। उनकी वतन उनकी बात सुनकर के सिया को बहुत अच्छा लगा और दर्शन की कामना सिया जी को जाग गई कि मैं भी देखूं। आहा, तो सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनी चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। सीता जी सखियों के साथ राम दर्शन के लिए वाटिका में आगे बढ़ती हैं और उसी समय चकित होकर सीता देख रही हैं चारों ओर। गोस्वामी जी उनके पांव के नूपुर, उनकी कमर की करधनी, हाथों के कंकन जो खनक रहे थे, चौपाई बजा रहे हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुना, कही फिर चितए गोरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंकल मनहु सकुच निमितले दिगंकल। देखि सिय शोभा सुख
भगवान राम का मन विकल हुआ, कहां से आवाज आई। और जैसे ही मुड़ करके देखा, आहा, सामने श्री सियाजू का दर्शन हुआ, परम सुंदर। सीता जी के श्रीमुख को निहारते ही ठाकुर के नेत्र अचंचल हो गए, पलकें गिरना बंद हो गईं। महाराज निमी को श्राप लगा है, वो पलकों में बैठते हैं, इसलिए पलकें गिरती उठती रहती हैं। परंतु जब राम जी ने सिया को देखा तो पलकों में बैठे हुए महाराज निमी निकलकर चले गए। सोचा, मेरे घर की बेटी, बेटी का विवाह हो कुछ हो तो बड़ों को थोड़ा बाहर रहना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। राम जी सिया की शोभा देख करके सुख पाए, हृदय में सराहना करते हैं, कुछ बोल नहीं पाए, मन ही मन कह रहे हैं, सुंदरता को भी सुंदर कर दे, इतनी सुंदर सीता जी है। छवि के घर में दीप शिखा जल रही हो, कवियों ने जितनी सुंदरता की उपमा कही है वे सब झूठी हैं, सीता के सामने कोई सुंदर नहीं। सीय शोभा हिय बरनी प्रभु आपनी दशा बिछा, सीता जी की सुंदरता को देख करके और भगवान ने अपनी मनोदशा को विचार किया कि इतना प्रभावित मैं हो गया, तो बड़े पवित्र मन से भैया लक्ष्मण से बोले, तात, ये जनक तनया वही है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां गौरी माँ के पूजन को ले आई हैं, देखो तो बगीचे में कैसा प्रकाश करती डोल रही है। जिनकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरे मन में क्षोभ पैदा हो गया। विधाता जाने, भगवान कहते विधाता जाने, सो सब कारण जान विधाता। भैया तुम तो जानते हो रघुवंशियों की ये रीति है, स्वभाव है, रघुवंशियों का मन कुपंथ पर नहीं जाता। हमारे कुल की परंपरा है, हम कुमार्गगामी नहीं होते। हमारे यहां मांगने वालों को मना नहीं मिलती, वस्तु मिलती है। मंग न लहें न रिपु रन पीठी, हम शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाते और परस्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। परंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे लक्ष्मण जी से राम जी चर्चा करते मन सीता जी के रूप में आकृष्ट हुआ है। इधर सीता जी ने राम जी को नहीं देख पाया है, अब वो तो चिता रही है, घूम रही है चारों ओर, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए। जहां एक तक दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमल परस जाते हो। तब सखियों ने, ओ देखो लता ओट, एक वृक्ष के ओट में राम जी खड़े थे, वो दिखाई दिए। लता ओट, गोस्वामी जी की मर्यादा तो देखिए, राम जी ने सीता को दिखाया है, देखा है, तो कोई गोस्वामी जी ने ओट नहीं रखी, लेकिन जब सीता राम जी के दर्शन कर रही हैं तो ओट लगा दी। बहन बेटियां किसी को ऐसे सीधे जाकर कैसे देखें, भारत की संस्कृति ही नहीं थी, इसलिए गोस्वामी जी ओट कर देते हैं। लता ओट, अभी ओट है, बाद में खुलेंगे तो ये आंखें बंद कर लेंगे। लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए।
देखी रूप लोचन लल चाहे। सीता जी ने जब राम को देखा है, श्यामल गौर किशोर सुंदर स्वरूप, आंखों में लालच आ गया, मानो मेरी निधि मिल गई हो। हर से जनु निज निधि पहचाने, अब थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी हूँ परे हरि निमेश। वहां भी निमि चले गए, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, और यहाँ भी पलके गिरना बंद हो गई, परिहरी निमेश है। अधिक स्नेह के कारण, प्रेम के कारण शरीर ढीला हो गया, ढीली हो गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो पूर्ण चंद्र निकलता है, उसको जैसे चकोरी निहारे, ऐसे सिया ने राम को देख लिया है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सया। बाबा तेरी जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, जब राम जी ओट से बाहर निकलने वाले हैं, उससे पहले ही सीता जी की आंखें बंद करा देते हैं। सीता जी ने नेत्र बंद कर लिए, राम जी की छवि को हृदय में उतार कर सियानो सिया तो समाधिस्थ हो रही है, भीतर चली गई। सखियों को लगा कि सीता जी प्रेम बस हो गई हैं, तो कुछ कह भी नहीं सकती, सकुचा रही हैं। उसी समय लता भवन से प्रभु श्री राम बाहर प्रकटे। जैसे ही बाहर आए, मानो दो चंद्रमा एक साथ निकले हों, ऐसे प्रभु सामने हुए। गोस्वामी जी कहते कैसे दिख रहे हैं प्रभु, बड़ा सुंदर वर्णन है। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाओ सरीरा। एक नीले हैं, एक पीत है, जल जाओ सरीरा। नीले पीले कमल जैसे दोनों भाई, मोर पंख सिर सोहत नीके। हुआ था ऐसा, लता की ओट में जब ठाकुर थे, तो उस समय लक्ष्मण जी राम जी का श्रृंगार कर रहे थे। भगवान को कहा कि दादा बड़े भाई बैठ जाइए। भगवान ने कहा लखन क्यों? बोले आप बैठिए ना, मैं आपका पुजारी हूँ, और पुजारी को चाहिए कि भगत दर्शन को आवे तो अपनी मूर्ति को सजा करके रखे। मैं आपका पुजारी हूँ, और आपके दर्शन के लिए कुछ भक्त आए हैं, वो आपको दर्शन करें तब आपका श्रृंगार ठीक होना चाहिए, इसीलिए आप बैठिए। तो और भगवान के घुंघराले केसों में सुंदर सुंदर केसर के फूल, सुंदर सुंदर चमेली के बेला के खुशबू के फूल लगा दिए। बाग में मोर नाचते थे, तो एक मोर पंख मिल गया छोटा सा, उसको भगवान के केस के जूड़े में लगा दिया। और मोर पंख सिर सोहत नीके, गोच्छ बीच बीच कोसुम कलीके। माथे पर टीका है राम जी को, भाल तिलक, थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया है। कान बड़े सुंदर हैं, आभूषण पर कानों में भी कुंडल पहने हुए। विकट भ्रकुटि कच घूघर बारे, कच माने केश, घुंघराले घुंघराले केश, नए कमल खिले ऐसे नेत्र हैं। थोड़ी बड़ी सुंदर है नासिका, बिल्कुल सुख जैसी है। जब हंसते हैं, हंसकर कहीं देखते हैं, तो मन को जीत लेते हैं।